तरफ कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व भर में महामारी का माहौल फैला हुआ है, वहीं भारतवर्ष इससे अछूता नहीं है। भारत में भी लगभग 1000 से ऊपर लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। इसे देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 25 मार्च से 21 दिनों का भारत बंद बुलाया है, जिसका सभी लोग पालन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी कड़ी गश्त लगाकर इस बंद को सफल बनाने में उनकी अपनी भूमिका निभा रही है। सोमवार को बानरहाट शहर में पार्ट नंबर 15-12 इलाके के लगभग 350 परिवार के लोगों को स्थानीय पंचायत सदस्य एवं समाज सेवी नेता कुटी नंदी तथा तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक नेता राजू गुरुंग के नेतृत्व में खाद्य सामग्री की पैकेट जरूरतमंद परिवारों के बीच वितरण की गई। इस खाद्य सामग्री पैकेट में 2 किलो चावल, आलू, बिस्किट का पैकेट, मस्टर्ड ऑयल, हरी सब्जी सहित कई प्रकार के खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। कुटी नंदी ने कहा कि आज LRP रोड के दोनों तरफ आरा डिपो, महावीर बस्ती एवं गेंद्रापाड़ा रोड तथा कारगिल इलाके में लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट बांटी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता मिलने में अभी समय लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने रोज कमाने रोज खाने वाले गरीब श्रमिक परिवारों के बीच में खाद्य सामग्रियों का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी अगर इस प्रकार की जरूरत पड़ी तो इसी प्रकार के कार्य के जरिए लोगों की, गरीब जरूरतमंद श्रमिक परिवारों को सहायता की जाएगी, ताकि हमारे कोई भी लोग भूखा न रह पाए। इस कार्यक्रम का स्थानीय लोगों ने काफी सराहना भी किया है। आज हम लोगों ने बानाहाट में जो दिन कमाता है दिन खाता है, बहुत ही गरीब किस्म के जो हमारे यहाँ पर में परिवार जो रहते हैं, उनको हम लोगों ने हमारे यहाँ के पंचायत समाज सेवी हमारे यहाँ पर भाई सब है, सब हमारे यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के युवा के लड़के सब सब ने हम लोगों को हेल्प किया। सब मिलकर हम लोगों ने यहाँ पर में चावल, बिस्कुट, तेल, नून, नमक, दाल, बिस्किट इत्यादि वितरण किए हम लोगों ने। जी, तो ये सरकारी मदद तो 2 तारीख के बाद ही मिलेगा, इससे पहले आप लोगों ने? जी, इससे पहले हम लोगों ने जो जितने भी हमारे यहाँ पर परिवार है जिसका पास दिन कमाता था दिन खाता था, उन लोगों को लेकर हम लोगों ने जो सामग्री वितरण किए। साथ ही हम लोगों ने मास्क भी 8000 मास्क बनाने के लिए दिए हैं। कल हम लोग मास्क वितरण करेंगे सभी टी गार्डन में, बाज़ार में, चमुर्ची मोड़ में, जैसे कि हाई रोड में, गेंद्रापड़ा रोड में, सभी जगह पर हम लोग वितरण करेंगे मास्क कल। ये मोटा मोटी हमारा 15-12 में हम दे रहे हैं, और बानाहाट में जितना गरीब मजदूर लोग हैं घूम घूम के हम लोग घर घर में जाके वो लोग ये खाना, बिस्किट हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, जो बच्चा लोग को लेके सब कुछ देके हम लोग दे रहे हैं घर घर में। कितने लोगों को आज दे रहे हैं? आज कम से कम 350। साढ़े तीन सौ को दे रहे हैं। जो दैनिक मजदूरी करते हैं? दैनिक मजदूरी जो करते हैं, दिन लेके दिन डेली खाते हैं उसको। अच्छा, तो लोगों में इसको लेकर क्या उत्साह है? उत्साह तो अच्छा ही है। अभी आप भी खुद देख रहे हैं कितना लड़का लोग भी खुद आगे आ रहे हैं, तो मेरा कोई दोस्त भाई लोग भी है, ये लोग भी खुद मदद किए हैं। जो हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक का मैनेजर, वो भी खुद इसमें शामिल है, खुद अपना वो भी अपना हेल्प किया है। एक रिकू भाई है मेरा, वो भी बेचारा हम आके खुद ही बोला, भैया हम भी कुछ देंगे, आपका ये अच्छा काम है, हम भी आप कुछ देना चाहता है, वो भी अपना ये से दिया है। मेरा और एक भाई है राजू गुप्ता, वो भी अपना तरफ से बिस्किट ये सब दिए। लाइन्स क्लब सर, लाइन्स क्लब की तरफ से भी हमको हेल्प किए। कहाँ कहाँ ये बांट रहे हैं? ये मोटा मोटी हमारा हाई रोड से लेके बाज़ार, बाज़ार से हमारा महावीर बस्ती, कारगिल, हमारा गेंदापाड़ा रोड, प्लस बाज़ार में हरात कलोनी, ये सब जगह में जा रही है।